जिस तरह हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि सभी अपने मिड की तैयारी रखे, वही हुआ है। सिर्फ सेवन सेमेस्टर और एमफिल वाले स्टूडेंट्स जा रहे हैं वीट कैंपेन पे, उनके अलावा बाकी सभी की क्लासेस, सभी के पेपर सेम टाइम पे सेम शेड्यूल में होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। वो अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के बारे में एक न्यूज़ चल रही थी। अगर आपने मेरे लास्ट दो ब्लॉग्स देखे हों जो मैंने वीट कैंपेन के बारे में बनाए थे, क्योंकि न्यूज़ आ रही थी कि शायद वीट कैंपेन होगी या नहीं होगी, कुछ इसके बारे में चल रही थी, क्योंकि वीट कैंपेन होती होती है हमेशा इन दिनों में। तो वो ब्लॉग्स बेसिकली मेरे लास्ट टू ईयर्स की जो वीट कैंपेन्स मैंने की थी, यूं कह लें लास्ट टू मैंने वीट कैंपेन्स की थी, तो तकरीबन दो साल से ही ये वीट कैंपेन का सिलसिला चल रहा है। तो जो लास्ट टू मैंने वीट कैंपेन्स की थी उसकी मैंने जो ब्लॉग्स बनाए थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपने वो ब्लॉग्स नहीं देखे तो जाके देखें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं कि वीट कैंपेन क्या होती है। कि अभी जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वीट कैंपेन नहीं की हुई, क्योंकि लास्ट टाइम जो वीट कैंपेन हुई थी तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में थे और उनको मतलब उनके लिए कंपलसरी नहीं था जाना, और तब हम लोग जो थे वो सेवन्थ सेमेस्टर में थे या फिफ्थ में थे, तो हम लोग तो गए थे तब भी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे लेटेस्ट न्यूज़ है वो शेयर करूंगा जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो पेज से उन्होंने शेयर की है कि वीट कैंपेन के बारे में, कि कौन वीट कैंपेन पर जा रहा है, कौन नहीं जा रहा, और जो जा रहे हैं वो कब जा रहे हैं। तो आज की वीडियो उस बारे में जी, तो मैं आपके साथ यहाँ पर ये नोटिफिकेशन शेयर भी कर दूंगा जो यूनिवर्सिटी की तरफ से शेयर किया गया है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं सेवन सेमेस्टर के जो कि बीएस में इनरोल्ड हैं, तो वो जो हैं वो वीट कैंपेन पे जाएंगे। जैसे कि वीट कैंपेन पे पहले ये लोग जा चुके हैं, जिन जो जो उनसे सेमेस्टर्स उन्होंने डिस्कस किए हैं उन्होंने ऑलरेडी वीट कैंपेन करी हुई है, तो उनको पता है कि उन्होंने वही अपने जो यूनियन काउंसिल के जो ऑफिस होते हैं अपने इलाके के जो मुतलका इलाके में उन्होंने जाना है जहाँ पर वीट कैंपेन करनी है। जैसे आपको लास्ट में मैंने ब्लॉग में शेयर किया था कि मैं भी अपने इलाके में गया था जब मैंने वीट कैंपेन करी थी। तो वीट कैंपेन आपकी स्टार्ट होगी 18 नवंबर से, और 18 नवंबर से ये 30 नवंबर तक चलेगी। मोस्टली इतने दिन ही चलती है, ये 10-12 दिन चलती है। उसमें एक दिन आपका जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक इंट्रो होता है, उसके बाद फिर एक हम लोगों ने एक रैली निकालनी होती है, मतलब हर पूरा वीट कैंपेन का शेड्यूल होता है कि इस दिन ये होगा इस दिन ये होगा। स्टूडेंट्स के लिए क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, द फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ तहसील फैसलाबाद विल गो फॉर वीट कैंपेन फ्राम यू एफ इन फ्रंट ऑफ इकबाल ऑडिटोरियम, यानी कि फीमेल्स जो है वो इकबाल ऑडिटोरियम के सामने जमा होगी और वहाँ से उनको वीट कैंपेन पर लेके जाया जाएगा जो फैसलाबाद के सील किए हैं, इनके जो है फैसलाबाद में वीट कैंपेन करनी है जो फैसलाबाद से जाएंगे, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए, बॉयज़ कुछ जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आपको जो जो आपकी जो एक्सेल की एक फाइल है जिसके अंदर तमाम लोगों का बताया हुआ कि कौन कौन से लोग वीट कैंपेन पे जा रहे हैं और कौन कौन सा उनका डिवीजन है, बेसिकली उनका जो डाटा है जो जो लोग पहले जाते हैं उनको पता है। वीट कैंपेन से पहले एक आपको एक्सेल की फाइल मिल जाती है जिसके अंदर आपका जो तहसील है, आपका जो एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी अलॉटमेंट की होती है। तैयारी रखे वही हुआ, सिर्फ सेवन सेमेस्टर और एमफिल वाले स्टूडेंट्स जा रहे हैं वीट कैंपेन पे, उनके अलावा बाकी सभी की क्लासेस सभी के पेपर सेम टाइम पे सेम शेड्यूल में होंगे। तो ये सीआर इंडेक्स की तरफ से भी इन्फॉर्मेशन आ गई है, अगर आप लोगों ने सीआर इंडेक्स जो है ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो जिन लोगों के मिड्स हो रहे थे उनके होंगे वो वीट कैंपेन पे नहीं जा रहे, और सिर्फ जो सेवन सेमेस्टर के हैं और जो एंथल के स्टूडेंट्स हैं वो वीट कैंपेन पे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे या आपको नहीं पता वीट कैंपेन में, तो मैंने आपके साथ वो एक ब्लॉग पूरा शेयर किया था, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और इसके अलावा यहाँ पर आई बटन पे यहाँ पर या यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, तो वो जाके आप लाजमी देखें ताकि जिन लोगों को नहीं पता वीट कैंपेन क्या होती है तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मोस्टली मेरे जो व्यूवर्स हैं वो या तो फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे या जो यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो होंगे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा वीट कैंपेन क्या होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।